Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad online classes. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Dear student, today I will teach you class 2nd subject science lesson 14 rocks, minerals and soil. Chattane, khanije aur mittiyan. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक, विभिन्न प्रकार के चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स खनिजों के बारे में पढ़ेंगे एंड सोयल और मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस वीडियो पे कहा गया है, स्टार्ट कर रहे हैं हम. वी लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर रहते हैं. The earth is mostly made up of rocks, यानी कि पृथ्वी ज़्यादातर चट्टानों से बनी हुई है. ज़्यादातर किससे बनी हुई है पृथ्वी? चट्टानों से बनी हुई है. It also contains minerals and soil, ये भी खनिज और मिट्टी से बनी हुई है, मिली हुई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है रॉक्स, यानी कि चट्टाने. रॉक्स आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, चट्टाने लगभग हर जगह हैं. कहाँ पे हैं चट्टाने? कहाँ पे हैं? हर जगह हैं. रॉक्स आर ऑफ वेरियस साइज़, चट्टाने विभिन्न आकारों की होती हैं. कहा गया है चट्टाने लगभग हर जगह हैं, चट्टानें विभिन्न आकारों की होती है. कहा गया है द हार्ड सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक, यानी कि पृथ्वी का कठोर ठोस भाग जो होता है उसे हम चट्टान कहते हैं. द अर्थ सरफस हैज वैरायटी ऑफ रॉक्स, यानी कि पृथ्वी की सतह में चट्टानों में विविधता है, वैरायटी, अलग अलग विविधता है. सम ऑफ द रॉक्स, कुछ चट्टानें आर हार्ड, यानी कि कठोर होते हैं, एंड और सम आर सॉफ्ट, और कुछ मुलायम होते हैं. रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि चट्टानों की क्या हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, चट्टाने अलग अलग रंग के होते हैं. चलिए अगला देखते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के रॉक्स चट्टाने. कहा गया है देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, यानी कि विभिन्न प्रकार की चट्टाने विभिन्न प्रकार की चट्टाने होती हैं. सम ऑफ इट्स काइंड्स आर एस फॉलो, और कुछ जो है यहाँ पे इसका कुछ प्रकार कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं. कौन सा है? पहला है हार्ड रॉक, यानी कि कठोर चट्टान. मार्बल, जिसे हम संगमरमर कहते हैं, मार्बल. मार्बल इज ए हार्ड रॉक, यानी कि संगमरमर एक कठोर चट्टान है. इट्स यूज्ड टू मेक वॉल्स, फ्लोरिंग एक्सेट्रा, यानी कि इसका उपयोग दीवारों, फ्लोरिंग, फर्शों आदि में किया जाता है. संगमरमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वॉल्स, दीवारों और फर्शों पे किया जाता है. प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे ताजमहल भी इन्हीं सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है. कहा गया है द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, यानी कि ताजमहल भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है. फाइन फैक्ट्स में देखिए कहा गया है द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, यानी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है. जो हमारे यहाँ आपके यहाँ जो ताजमहल है हमारे भारत देश में, वह 7वें अजूबों में से एक है. और ये ताजमहल जो है
वाइट मार्बल यानी कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर के बाद अब आइए ग्रेनाइट। कहा गया है ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड रॉक, यानी कि ग्रेनाइट बहुत कठोर चट्टान है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स हाउसेस फ्लोर्स एंड रोड्स, यानी कि ग्रेनाइट बहुत कठोर चट्टान है। यह जो है कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बिल्डिंग हाउसेस फ्लोर्स यानी कि घरों के फ्लोर्स को बनाने के लिए एंड रोड्स और सड़कों बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इज हार्ड रॉक, यानी कि सैंडस्टोन भी क्या है, एक हार्ड रॉक कठोर चट्टान है। बट लेकिन इस लेसर हार्ड देन मार्बल, यानी कि मार्बल से कम कठोर है। जिस प्रकार कहा गया है इसका उपयोग कहाँ करने के, सैंडस्टोन कठोर चट्टान है लेकिन संगमरमर की तुलना में कम कठोर होता है। इट इज यूज्ड टू मेक टेंपल्स एंड फोर्ट्स, इसका उपयोग मंदिरों और किलों को बनवाने के लिए किया जाता है। सैंडस्टोन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मंदिरों और किलों को बनवाने के लिए सैंडस्टोन का काम हम उपयोग करते हैं। रेड फोर्ट, लाल किला इन दिल्ली, जो दिल्ली में है, इस मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, यानी कि लाल किला किससे बना हुआ है, दिल्ली में लाल किला जो है वह बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यानी कि सैंडस्टोन से बना हुआ है। अंदरूनी सॉफ्ट रॉक्स यानी कि मुलायम चट्टान है, कौन से मुलायम चट्टान है, स्लेट, जिसे हम स्लेट कहते हैं। स्लेट इज ए सॉफ्ट एंड स्मूथ रॉक, यानी कि स्लेट क्या है, सॉफ्ट या मुलायम और स्मूथ चिकना चिकनी चट्टान है। स्लेट जो है मुलायम और चिकनी चट्टान है। इट इज ग्रे और ब्लैक इन कलर, इसका रंग कैसा होता है, भूरे या काले रंग का होता है। राइटिंग स्लेट्स, जिस जो स्लेट्स हम लिखते हैं वो, एंड ब्लैक बोर्ड्स और श्यामपट जो होता है विद्यालयों का, आर मेड ऑफ स्लेट रॉक्स, वो किससे बना हुआ होता है, स्लेट रॉक से ही बना हुआ रहता है जो मुलायम होता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं अगले दिन आप लोगों को इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।